So welcome back to my channel guys, Travelophilia Vlogs. It's a new day and today is guys Saturday and as it's Saturday तो generally लोग कहाँ जाते हैं parties करने के लिए, gym skip कर देते हैं, but हम नहीं करेंगे. हम इसी दिन का फ़ायदा उठाते हैं कि Saturday Sunday को कम भीड़ होती है तो बढ़िया से recording वगैरह अपनी हो सकती है वहाँ पर gym में. And pre-workout meal के अंदर मैंने banana खा लिया है and बाकी pre-workout और लेके हम चलेंगे तो वो अपना बनाते हैं, बैग वगैरह सारा पैक करते हैं. बैग मैंने निकाला हुआ है, ये पड़ा हुआ है भाई. एज ऑफ नाउ हम निकल चुके हैं जिम के लिए एंड इवनिंग का टाइम हो गया 5:30. ऑल्दो आज सैटरडे एंड आई वाज डिसाइडिंग टू गो टू द जिम अराउंड 2 PM बिकॉज इतना हसल बसल नहीं होता आज ऑफिस में, बट ड्यू टू सम रीजंस हर आधे घंटे बाद कोई ना कोई काम आता गया. खुद 2 बजे से 5:30 बज गया तो फिलहाल अब फाइनली निकला हूँ भाई जिम जाने के लिए. इंजरी के बाद ना जितना वेट मारता था उससे हाफ से भी नीचे आ गया हूँ. जस्ट ये है कि एक बार कंटिन्यूटी बनी रहे इसलिए जा रहा हूँ जस्ट जिम. लेकिन जो लास्ट टाइम मैंने जो वेट मारा था ना उससे थोड़ा सा एक्सेस मारने की आज मैं कोशिश करूँगा. एंड थोड़ा सा ना मेरे को पैटर्न भी समझ में आ गया एक्सरसाइजेस का कि इस एक्सरसाइज के बाद ये वाली करता हूँ तब मेरे को पेन होता है. सीक्वेंस मतलब मैं थोड़ी अल्टर करता हूँ ना तो उससे मेरे को पेन के अंदर फर्क आता है. तो एक्सरसाइजेस की मैं सीक्वेंस आज चेंज करके देखूंगा. मॉल के अंदर तो आज काफी भीड़ है भाई, लेकिन लेट्स सी जिम के अंदर है कि नहीं है. फिलहाल वर्कआउट हो गया अपना पूरा एंड क्लोज टू 800 कैलोरीज के आसपास बर्न किया मैंने. तो फिलहाल आज ज़्यादा ना मैंने फिल्म नहीं किया बिकॉज पिछले 2-3 हफ्तों से ना मैं सही से वर्कआउट नहीं कर पा रहा जस्ट बिकॉज एंड स्पेशली चेस्ट डे के ऊपर. एक तो वैसे इंजरी हो रखी है एंड सेकेंडली गाइज जब फिल्म करते हो ना तो साथ साथ एक्सरसाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. सो आई डिसाइडेड नॉट टू टुडे. तो फिलहाल
क्लोज टू 800 कैलोरीज बर्न कर ली हैं, अच्छा खासा वर्कआउट हुआ है। जो लास्ट टाइम मैंने जितना पुश किया था ना, उससे ज़्यादा इस बार पुश की है। ऑल दो थोड़ा ट्रबल हो रहा था मेरे को, बट स्टिल नेवर माइंड, बढ़िया वर्कआउट रहा, बहुत ही बढ़िया पंप आया था। क्लोज टू 1.5 आवर्स अपना वर्कआउट था। सो गाइस, वर्कआउट ओवरऑल बहुत अच्छा था, बट सीरियसली आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि ये इंजरी जो हुई है ना मेरे को शोल्डर रोटेटर का, इट्स जस्ट दैट कि मैं यार जो भी एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं उनको यही रिकमेंड करूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जो फॉर्म है ना वो पूरी मेंटेन करके रखो, एंड जब फॉर्म मेंटेन्ड हो ना उसमें आप जितना मर्जी सही पुश कर लो तो इंजरी आपको नहीं होगी, 99% तक आपको इंजरी नहीं होगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लास्ट के एक्स्ट्रा एक दो रेप्स पुश करने के लिए हम अपनी फॉर्म गलत ले लेते हैं, वो एक आध रेप जो है ना वो बहुत भारी पड़ जाता है तुम्हारे ऊपर, उसकी वजह से जितना तुम प्रोग्रेस किए होते हो ना तुम भाई कई महीने पीछे चले जाते हो। तो फिलहाल मैं यही रिकमेंड करूँगा गाइज, अगर आप एक्सरसाइज करते हो ना तो एक्स्ट्रा पुश करने के नाम पे ना गलत फॉर्म में मत करो उस चीज़ को, पुश सही फॉर्म में करो। जब तक सही फॉर्म में करोगे कोई इशू नहीं है, लेकिन जहाँ आपने गलत फॉर्म ली नहीं उसमें 99% आपको इंजरी होने के चांसेस हो जाते हैं हल्की फुल्की। 8-10 रेप मारने के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बट अगर मैं सही फॉर्म में उसे मार रहा हूँ ना तो वो आधा वेट वो मेरे को उतना ही पंप दे रहा है जितना वो डबल वेट में मैं करता था गलत फॉर्म के साथ। तो सही फॉर्म में अगर आप कम भी वेट मार रहे हो ना एंड स्लो रेप्स स्लो नेगेटिव्स ले रहे हो तो आपको पंप बहुत बढ़िया आएगा, ऐसा मुझे फील होता है। तो राइट नाउ आई एम हेडिंग बैक टू माय होम, तो चल के कुछ बढ़िया सी डाइट वगैरह लेते हैं। आज सैटरडे है, देयर इज़ नो चीट टुडे, क्योंकि मैंने चीट एक आध दिन पहले कर लिया था, देन आई डिसाइडेड कि सैटरडे संडे को कुछ चीट नहीं करूँगा मैं। ऐसे ही रहता है मेरा कि हफ्ते में एक बार चीट करना है, वो जब मन किया तब कर लेता हूँ मैं, जब बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग्स एकदम आती है ना उस टाइम मैं चीट कर लेता हूँ, अदरवाइज। सो गाइज फाइनली पहुँच गए हैं घर, एंड आज गए हुए थे बाहर घूमने फिरने के लिए, गए हुए थे एम्बियंस मॉल चेरिशा काना एंड मैं, एंड थोड़ा मील टाइम अपना स्पेंड करने के लिए गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली चीट हो गया। बट उतना गंदे तरीके से चीट नहीं किया, जस्ट ऐसा किया कि अपने कैलरी बजट से 100-200 कैलरी सरप्लस में हो, बट वो भी नहीं चाहता था बेसिकली मैं। बट हाँ कभी कभार चलता है भाई, इतना कि वेट गेन इतना इजीली नहीं होता। अगर आपको 1 किलो वेट गेन करना है ना तो आपकी जो मेंटेनेंस कैलरीज है उससे एक्सेस में 7700 कैलरीज खानी पड़ेंगी, तब जाके जिस पे आपका वेट मेंटेन हो रहा है ना तब जाके आपका 7700 कैलरीज खाने के बाद, मतलब 3 दिन की अगर मैं चीट करता हूँ और 3 दिन में सपोज मेरा 2500 कैलरी का जो कैलरी बजट है और मैं 5000 कैलरीज खाता हूँ एंड 3 दिन तक लगातार 5000 कैलरीज खाता हूँ, तब जाके मेरा 3 दिन के बाद 1 kg वेट गेन होगा। तो एज़ पर मैथमेटिक्स जो 7700 कैलरीज जो होती हैं बेसिकली, अगर वो आप डेफिसिट में जाओ तो आपका वेट उस हिसाब से लूज होता है, अगर आप सरप्लस में जाओ तो उस हिसाब से गेन होता है। वो अगर हम थोड़ा एक्सेस वर्कआउट कर लेंगे तो उसमें अपना कंपनसेट हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ। बाकी गाइस अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, सो बाय, अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस।